नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। न्याय के भटक रहे मानिकपुर के गणेश प्रजापति पुजारी नाथ पंथ मंदिर के प्रचारक उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के मनेर ब्लॉक के अंतर्गत मानिकपुर गणेश प्रजापति पुजारी नाथ पंथ के प्रचालक सिद्ध मंदिर शाखा विष्णुपुरा स्थित जब मीडिया कर्मी ने रविशंकर प्रजापति पत्नी श्रीमती सुनीता देवी से सवाल किया तो उन्होंने शालीनता से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हम जब से लोग नाथ पंथ अपनाए उस समय से अभिमन्यु प्रजापति द्वारा हम भक्तों को प्रताड़ित करते रहते हैं। पुरानी इनकी परंपरा है परेशान कहने की। हमारे परिवार अभिमन्यु एक दबंग व्यक्ति है, जबकि हम लोग ये समय पारिवारिक बंटवारा हो गया है उसके बाद भी प्रजापति करते हैं। जमीन पर बाबा का पुराना स्थान मौजूद है, न्याय के लिए हम लोग भटक रहे हैं लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला है। पुराना स्थान है बाबा गोरखनाथ जी का, और पहले भी लोग आते थे अपने दुख के लिए निवारण के लिए। जहाँ जगत कल्याण का कार्य होता है अभिमन्यु प्रजापति द्वारा यहाँ पे बार बार लोगों को गाली देना और परिवार के लोगों का लोगों को मारा पीटा था। इसे उठ करके हमने फिर यहाँ से स्थान पूरा ग्राम सभा में ले गए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे हम परिवारों को प्रताड़ित किया जाता है। अगर कोई दुख तकलीफ होता है उस समय मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे फिर 7-11 को हमारे घर परिवार के औरतों को मारे पीटे थे, जो थाना को मैंने ले गए। थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा समझौता के लिए बात कही, उन्होंने नहीं माना। न मानने के बाद हमको वहाँ जेल में बंद कर दिया गया दोनों पक्षों को, और 7-11 को सुबह हमारे बुआ का मेडिकल भी कराया गया। अब अपना नाम बताइए, क्या मैटर है? मैटर है कि बाबा का अपना घर में पूजा करो कर जब बार बार हम पूजा करना की मार काट और हमारी वो देने बाहर अब बाहर में मटूर दे हलान तब पर बोल पहले अब क्या नो महतारी काल के मैटर हो गए काल को हटा के लेकर का बोल देने बाहर तो माये सब जाना के बेकाम कर देगी। आप अपना नाम बताइए, क्या मैटर है बताइए? मैटर तो बाबा का पूजा करा था नहीं जाए या रोका था रहा मार के कपार हमारे फाड़ दिया रहा हूँ करा बदबू में टाट टूटे हमारा घर में ढूंकी जाता रहा जब होता तो वही कहता रहा कभी मार के मुँह आई कभी काट अब यहाँ सबके कहता रहा कि काट भी कर लड़का का मार हाँ दस वर्ष का लड़का बा हम बारह वर्ष का लड़का बा काट बताइए। आप अपना परिचय बताइए। हमारा नाम सिद्ध गणेश प्रजापति, सिद्ध मंदिर विष्णुपुरा जो नाथ संप्रदाय का हम प्रचारक है, और बाबा गोरखनाथ जी हमारा इष्ट देवता है, वहाँ जगत कल्याण का कार्य होता है। और पहले हमारा मानिकपुर ग्राम सभा पुरवन बाबा का स्थान था, और वहाँ भी मेरा पुराना पुश्तैनी घर है। जब से वहाँ पे बाबा कार्यक्रम चलने लगा नाथ संप्रदाय से हम लोग मिले, पूरा परिवार सुखी शांति से रहते हैं, और हमारे ही पटीदार अभिमन्यु प्रजापति द्वारा ये बार बार प्रताड़ित किए जा रहा था, इन्हें बंद कर दो बंद कर दो। वहाँ से बंद करने के बाद फिर मैं विष्णुपुरा गांव में बाबा का मंदिर बनवाया। उसके बावजूद फिर हमारे जो घर परिवार के सदस्य लोग हैं पुराने घर पे, उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी जो घर है उसको एक घर रुकने का बहाना है, क्योंकि पूजा में हम लोग को बाधा करते रहता है। फिर क्या बोलते हैं, 2018 में मैंने स्वयं सिद्ध महायज्ञ कराया लास्ट दिन, वहाँ भी ये गाली गलौज किया जो हमारे महाराज औरंगाबाद शाखा से लोग आए थे पूजा वन कराने के लिए। और सुबह में हम लोग को गोरखपुर जाना था, और रात में जो भी शाखा के लोग आए थे उनका टिकट था महाराष्ट्र के लिए, इसलिए उस समय हम लोग किसी को कोई शिकायत नहीं की। फिर 26/6/11/2020 को हमारे भवर को अभिमन्यु प्रजापति द्वारा मारा पीटा गया, जिसमें सिरे फट गया। पिताजी वहाँ बाहर में थे खेत में सुने गए, उनको भी पैरों में चोट आया था। जब फिर 100 नंबर को उन्हीं द्वारा बुलाया गया, और जब हम लोग गए थाने पर तो थानेदार साहब ने देखा जी इसमें सर फटा हुआ है, फिर उनसे बोले समझौता कराने के लिए, समझौता नहीं कराए। फिर मुझको थानाध्यक्ष द्वारा हौलाद में बंद कर दिया गया, जो कि
मैं पुराने घर से 500 से 600 मीटर दूर विष्णुपुरा में मैं निवास करता हूँ। और घर जो भी सजा पब्लिक दे, सरकार दे, थाना दे, मैं भुगतने के तैयार हूँ। अगर गलती नहीं है तो मैं कति बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं एक साधक हूँ। और हाँ, अभी मनु प्रजापति द्वारा हमको ओझा सोखा से तुलना किया, मैं ओझा सोखा नहीं हूँ। मैं विश्वास देता हूँ कि जो सांप काटे बिछी काटे हमारे शरीर को पकड़िए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, अगर ठीक ना हो गया तो मैं सिद्ध शब्द अपना नामों से हटा दूंगा। फोन किया तो पिताजी हमारे यही बोले कि घर पे तो कोई झगड़ा हुआ नहीं है, उसकी माँ पिंडारी की तरफ गई है मंत्री को, जो राजकुमार वर्मा। ठीक एक घंटे बाद उसकी माँ, अभिमन्यु की माँ, औरत, लड़की और लड़के लोग थाने पर आए, रोते गए, उनको मारा गया, पीटा गया। फिर ऐसो थानाध्यक्ष महोदय द्वारा बोला गया इस पर भी 122 करोड़ हमारे ऊपर, जबकि 100 नंबर ने पूरा वहाँ देखा है कौन किसको मारा है, मुजरिम को उधर से लाए वो लोग। तो फिर झगड़ा किससे हुआ है, नाटक किए लोग। फिर हमारे ऊपर भी 122 किलो किए, जेल किए, हम लोग क्या बोलते हैं जमानत करा के लौट रहे हैं। तो फिर पता लगा गाँव में जो 100 नंबर लोग बुलाए थे, जो हमको लोग घेर रहे हैं, मार रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर थाना से भी लोग गए थे वापस में भी। क्या हुआ आपको, आपको अंत में क्या मिला, आपको न्याय मिला कि नहीं मिला? न्याय नहीं मिला। तो आप न्याय के लिए अभी आगे और कार्रवाई कर रहे हैं कि अभी की है? न्याय के लिए तो आपको मैं सहारा ले रहा हूँ कि हमारे बातों को जन जन तक पहुँचाइए। हमारा ये भाजपा शासन है, ये नाथ संप्रदाय से जुड़ा हूँ, या जब खिलाड़ का कार्य होता है, जब हमें सुरक्षित नहीं है और क्या सुरक्षित हम क्या क्या हम लोग हमसे उपेक्षा। इसकी शिकायत आपने मुख्यमंत्री क्या किए हैं उनके पोर्टल पर? अभी किए नहीं, अभी करने जा रहे हैं, आजकल में भी कर देंगे। मैं तो जो पहले हुआ था मैं शांत हो जाए व्यवस्था अपना, हम लोग अपना कार्य करेंगे। उनको बोला भी था मनु, थाना से हो, पुलिस से हो, या पंच से हो, अपना कार्य करेंगे। उसका पीछे पिटाई कर दिए। अगर न्याय नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे अपने न संप्रदाय को लेकर के लिए। हजारों संख्या में लोग हमारे मंदिर से जुड़े हुए हैं। अगर मैं गलत हूँ तो अधिकारी। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।